फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पर खूब दिखा बॉलीवुड हसीनाओं के फैशन का जलवा। साइड स्लिट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज में कहर ढाती दिखी आलिया। तो भाभी नंबर टू तृप्ति ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर। ब्लैक गाउन में सारा अली खान ने खूब गिराई बिजलियां। तो ग्लैम डॉल बनकर रेड कार्पेट पर जानवी ने भी दिखाई हॉट अदाएं। लेकिन रेड साड़ी में बेबो का देसी लुक रहा फीका। 29 जनवरी की रात गुजरात के गांधीनगर के तापमान का पारा अचानक से बढ़ गया। आखिर बॉलीवुड की हॉट एंड ग्लैमरस हसीनाओं का जलवा जो यहां देखने को मिला। दरअसल इस बार 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन माया नगरी मुंबई की बजाय गुजरात की ग्रीन सिटी गांधीनगर में किया गया था। इस अवार्ड नाइट में हिस्सा लेने के लिए कई नामी गिरामी सितारे भी पहुंचे। अब अवार्ड शो का रेड कार्पेट बिछा हो और वहां हमारी बॉलीवुड बेब्स का जलवा देखने को ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता था। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड नाइट में सबसे चमकदार हसीना बनकर शाइन करती नजर आई आलिया भट्ट। जहां एक तरफ आलिया ने अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, ये आलिया के करियर का छठा फिल्म फेयर अवार्ड रहा, तो वहीं दूसरी तरफ रेड कार्पेट पर भी आलिया का जलवा खूब देखने को मिला। अवार्ड नाइट के लिए आलिया ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी इंस्पायर्ड ड्रेस चुनी थी। इस साइड स्लिट ड्रेस को मिसेस कपूर ने ऑफ शोल्डर डीप नेक ब्लाउज के साथ टीम अप किया था। पैरों में गोल्डन कलर की हाई हील सैंडल, गले में चोकर हार पहने आलिया अपने सुपर स्टाइलिश लुक में रेड कार्पेट पर कहर ढाती दिखी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आलिया इस अवार्ड नाइट की शो स्टॉपर रही। वहीं जानवी कपूर और सारा अली खान ने भी अपने हॉट लुक से रेड कार्पेट का टेम्परेचर हाई किया। बात जानवी कपूर की करें तो मिस कपूर रेड कार्पेट पर ब्लैक कलर के ट्रांसपेरेंट लेस गाउन पहने पहुंची। इस ऑफ शोल्डर गाउन को जानवी ने हाई हील्स और डायमंड चोकर के साथ टीम अप किया था। इस मरमिड स्टाइल गाउन में जानवी खूबसूरत लग रही थी। नवाब सैफ की शहजादी सारा अली खान ने भी अपने ग्लैम डॉल लुक से कैमरों की अटेंशन ग्रैब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारा ब्लैक कलर के हॉल्टर नेक गाउन में नजर आई। थाई हाई स्लिट गाउन पहन रेड कार्पेट पर उतरी सारा का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एनिमल से न्यू नेशनल क्रश बनी भाभी नंबर टू तृप्ति डिमरी का जलवा भी फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पर देखने को मिला। तृप्ति ने स्पेगेटी स्ट्रेप्ड गाउन पहना था जिसमें काले रंग का ब्राले डिजाइन बना था, तो वहीं पूरे गाउन पर सिल्वर सिक्विन का काम था। इस बॉडी हगिंग गाउन में तृप्ति ने जमकर अपनी अदाएं दिखाई। कपूर सिस्टर्स करीना और करिश्मा कपूर ने भी अपने देसी लुक से लोगों की निगाहें अपनी तरफ खींची। करीना ने रेड कलर की साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज टीम अप किया था। यूं तो रेड साड़ी में बेबो खूब जच रही थी, लेकिन बॉलीवुड की ग्लैम डॉल्स के सामने करीना का साड़ी लुक थोड़ा फीका साबित हुआ। वहीं करीना की बड़ी दीदी करिश्मा कपूर मल्टी कलर सीक्वेंस साड़ी पहने पहुंची। सब्यसाची के कलेक्शन की इस साड़ी में लोलो स्टर्निंग ब्यूटी बनकर चमकी। दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी को भी हमने रेड कार्पेट पर स्पॉट किया। बांधनी प्रिंट की साड़ी पहने और बालों में फूलों का गजरा लगाए शबाना बेहद खूबसूरत दिख रही थी। इस साल बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अशनूर कौर ने भी ब्लैक रिवीलिंग गाउन में लोगों की निगाहें अपनी तरफ खींची। इनके अलावा एक्ट्रेस भूमिका चावला, भाग्यश्री, मृणाल ठाकुर, तेजस्वी प्रकाश ने भी रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती से चार चांद लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट E24।